ये है नॉट बोरिंग वेदर। देखो आईफोन का ऑफिशियल वेदर ऐप काफी बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस ऐप की बात ही अलग है क्योंकि इसमें आप एनिमेटेड 3D स्टाइल में वेदर को देख सकते हो जो कि दिखने में काफी कूल लगता है और साथ ही इसमें आपको साउंड भी सुनने को मिलता है। बाकी अगर आप यहाँ टेम्परेचर पर क्लिक करते हो तो आप काफी डिटेल में वेदर को देख सकते हो। बाकी आप इसको अप डाउन या लेफ्ट राइट करके मूव भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप लेफ्ट राइट स्वाइप करके अलग अलग टाइम के हिसाब से वेदर को देख सकते हो जो कि दिखने में काफी कूल लगता है। बाकी आप नीचे दिख रहे इस पार्ट को स्वाइप अप या डाउन करके और भी काफी वेदर रिलेटेड रिपोर्ट देख सकते हो। जो इस लिस्ट में चौथे नंबर पे ऐप है इसका नाम है क्विक रिप्लाइज। अब ये एक शॉर्टकट कीबोर्ड है और इसमें आप अपने डेली यूज होने वाले इंपॉर्टेंट टेक्स्ट या लिंक्स को सेव कर सकते हो और एक शॉर्टकट की का यूज करके कहीं भी उस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट या लिंक को पेस्ट कर सकते हो। आपको बस इस कीबोर्ड को सेटिंग से इनेबल कर देना है और इसके बाद से इस ऐप में आकर आपको एड न्यू क्विक रिप्लाई पे टैप करके अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग टेक्स्ट या लिंक को मैसेज वाले बॉक्स में ऐड कर देना है एंड फिर मैसेज शॉर्टकट वाले बॉक्स में कुछ भी की आप टाइप कर सकते हो। टाइप करके यहां पर सेव कर देना। इसके बाद आपको जहां भी इन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट या लिंक की जरूरत है तो आपको क्या करना है, आपको इस ग्लोब वाले आइकन पर थोड़ी देर टैप किए रहना है और यहां से क्विक रिप्लाइज वाले कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करते ही यहां पर आपको आपके सारे क्विक रिप्लाइज दिख जाएंगे और इनमें से कोई भी शॉर्टकट की प्रेस करते ही उसके अंदर जो भी टेक्स्ट या लिंक होगा वो इंस्टेंटली वहां पर पेस्ट हो जाएगा। तो काफी यूजफुल ऐप है, ट्राई जरूर करना। देखो आजकल सब्सक्रिप्शन का जमाना है, ऑलमोस्ट हर किसी के पास किसी ना किसी OTT या म्यूजिक ऐप का सब्सक्रिप्शन है और इन सारे सब्सक्रिप्शन को ट्रैक करने के लिए आप इस लिस्ट के तीसरे नंबर के ऐप बॉबी सब्सक्रिप्शन ट्रैकर को ट्राई कर सकते हो। आपको बस प्लस पे टैप करके अपने सब्सक्रिप्शन वाले ऐप को सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देना है, यानी जितने का भी आपने इस ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। लाइक स्पॉटिफाई का जो इंडिविजुअल ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो 1189 का है। आप चाहो तो यहाँ पर खुद की कैटेगरी भी बना सकते हो। फिर आपको फर्स्ट बिल पर टैप करके उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है जब आपने इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया था। इसके बाद आपको साइकिल वाले ऑप्शन से जैसा आपका प्लान है लाइक ईयरली मंथली या वीकली वो सेट कर लेना है। आप चाहो तो ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिमाइंड मी का, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। लाइक सब्सक्रिप्शन खत्म होने से कितने टाइम पहले आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। इसके बाद से आपको बस ऐड पर टैप कर देना है। ऐड पर टैप करते ही आपका ये सब्सक्रिप्शन यहां पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप अदर और भी सब्सक्रिप्शन अगर ऐड करते हो तो आपको नीचे ये भी दिख जाएगा कि आप मंथ के कितने रुपए इन ऐप्स के सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर रहे हो। तो काफी अच्छा ऐप है अपने सारे सब्सक्रिप्शन को ट्रैक करने के लिए और मैनेज करने के लिए, तो ट्राई जरूर करना। जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे ऐप है इसका नाम है नॉट बोरिंग कैलकुलेटर और ये ऐप सेम उसी डेवलपर का है जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले वेदर ऐप बताया है और इसका इंटरफेस भी आपको वेदर ऐप से काफी सिमिलर देखने को मिलेगा। लाइक इसमें भी आपको एनिमेटेड एंड 3D टाइप का कूल लुक मिल जाएगा। इसमें आप अपने कैलकुलेशन कर सकते हो और सबसे अच्छी बात इसमें आप लाइव देख सकते हो कि आप क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हो। ये नहीं कि यहाँ पे अगर आपने कुछ एंटर करके प्लस पे टैप किया तो आपने पहले क्या एंटर करा था वो हट जाएगा। बाकी इसमें भी आपको साउंड सुनने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर काफी लंबे लंबे कैलकुलेशन के बीच में से किसी नंबर को चेंज या रिमूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसके सेटिंग से इसके साउंड को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो ओवरऑल काफी बढ़िया कैलकुलेटर ऐप है जो दिखने में काफी कूल लगता है, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। ऑलराइट, तो जो इस लिस्ट में फाइनल यानी नंबर 1 पे ऐप है इसका नाम है मोयो विजिट्स और ये बेसिकली एक प्रॉपर विजिट्स का ऐप है जिसमें आपको काफी सारे विजिट्स देखने को मिल जाते हैं और वो भी काफी अच्छे अच्छे। लाइक आपको यहाँ पर एक एनिमेटेड आइकन्स वाला विजिट मिलता है जो कि दिखने में काफी कूल लग रहा है और इसके अलावा भी आपको काफी अलग अलग कैटेगरीज से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे विजिट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको लॉक स्क्रीन के लिए भी विजिट्स मिल जाते हैं। आपको जो भी विजिट को अपने होम स्क्रीन पर ऐड करना है उस विजिट को इस ऐप में ओपन करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करके सेव कर लेना है। फिर आपको होम स्क्रीन पर टैप किए रहना है, फिर यहाँ प्लस पर टैप करके यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मोयो विजिट्स का, तो इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको 3 अलग अलग विजिट्स के साइज मिलेंगे। तो आपको जैसा विजिट यूज करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर उस साइज को सेलेक्ट कर लेना। लाइक यहाँ पर मैं छोटे वाले साइज को ऐड कर लेता हूँ। फिर आपको डन पे टैप कर देना है। फिर आपको ऐड किए गए विजिट पर थोड़ी देर टैप किए रहना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट विजिट का, तो इस पर टैप करना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा करंट विजिट का, तो इस पर आपको टैप करके यहाँ से आपने जो भी विजिट को कस्टमाइज करके सेव किया था वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको बस उस वाले विजिट पे टैप करना है और टैप करते ही वह विजिट यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज कर सकते हो या कोई अपना खुद का वॉलपेपर यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफी सारी चीज आप इसके ऐप से कस्टमाइज कर सकते हो। अब चूंकि इसमें सारे विजिट्स फ्री नहीं है, कुछ प्रीमियम भी हैं जिनको यूज करने के लिए आपको इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो आप पहले इसके फ्री वाले जो विजिट्स हैं उनको
यूज करना एंड अगर आपको अच्छा लगता है तब आप सोचना इसके सब्सक्रिप्शन को लेने का। तो ये थे टॉप 5 बेस्ट iOS एप्स ऑफ अप्रैल 2024। आई होप ये एप्स आपको पसंद आए होंगे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये एप्स एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इन पांचों एप्स में से आपको कौन सा ऐप सबसे बढ़िया लगा या ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग टेक स्टफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सी यू सून।